इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगर निगम प्रचार प्रसार विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, जोन 3 के इलाकों में लापरवाही बन सकती है हादसे का कारण। राहगीरों के साथ हो सकता है बड़ा हादसा। जी हां, प्रचार प्रसार विभाग की अनदेखी से राहगीर घायल हो सकते हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के विवेकानंद पॉली क्लिनिक के सामने बने ओवरब्रिज के पास फ्लैक्स हवा में लहरा रहा है, जो कभी भी राहगीरों के ऊपर गिर सकता है। इस खबर की और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रितेश, बताइए, राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से नगर निगम की लापरवाही इस सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम की लापरवाही कोई एक बार लापरवाही नहीं किया है, कई बार लापरवाहियां कर चुका है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो आप वीडियो में साफ तौर पर ये चीज देख सकते हैं कि जिस तरीके से फ्लैक्स हवा में लहरा रहा है और मौसम आज किस तरीके से तेज हवा का है, उसके बाद अगर ये फ्लैक्स कहीं टूट कर गिर जाता है राहगीरों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे सीख नगर निगम नहीं ले रहा, क्योंकि इसके पहले भी खबर कई बार चल चुकी है, उसके बावजूद भी नगर निगम कहीं ना कहीं अपनी आंख को मूंद कर बैठा है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल राहगीरों को अपनी जान खुद बचानी होगी। नगर निगम इसके आड़े आने वाला नहीं, नगर निगम इसको सुधारने वाला नहीं, क्योंकि आप जोन 3 का इलाका है जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, ये जोन 3 का इलाका कहलाता है। और विवेकानंद पॉली क्लिनिक के सामने ये फ्लैक्स लगा हुआ है, अभी से जो फ्लैक्स इसमें लगा हुआ फ्लैक्स फट गया है, फटने के बाद वो हवा में लहरा हुआ काफी बड़ा है। अब नगर निगम जो प्रचार प्रसार विभाग है, वो प्रचार प्रसार विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जो जिन एजेंसियों को ये काम दिया गया है, उन एजेंसियों पर नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि नगर निगम अपनी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं घटना का बड़ा सबब बन सकता है। बिल्कुल रितेश, एक और राजधानी लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के थोड़ा सा आगे बड़ा सा गड्ढा हो गया था। हालांकि वो रात में हुआ था, तो किसी को भी कोई हताहत नहीं हुआ था उस दौरान, लेकिन उस पर भी विभाग अपनी ओर से काम कर रहा है, अभी भी उस पर काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी ओर ये आज विवेकानंद पॉली क्लिनिक के पास का मामला सामने आया है, तो क्या लगता है प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, या फिर नगर निगम किसके संरक्षण में या किसकी शह पर इस प्रकार की अनदेखी कर रहा है? क्योंकि लगातार नगर निगम को लेकर कई ऐसी खबरें सामने आई, जीआईएस सर्वे का भी जिक्र हुआ, जिसमें जो लोग थे, जो पीड़ित थे, जो जा रहे थे वहां पर अपनी समस्याओं का समाधान कराने, तो वो भी कई लोग उसमें हताश दिखे, और आज फिर एक खबर और सामने आई है। तो क्या किसकी शय हो सकती है, और किस प्रकार से इतनी बड़ी जो है मनमानी करते नगर निगम देखा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ नगर निगम काफी बड़ा एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और इसके अंतर्गत में कई सारी चीजें आती हैं, अवैध अतिक्रमण को हटाना, पार्किंग की व्यवस्था, प्रचार प्रसार की व्यवस्था, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था। अभी आपने देखा होगा कि मार्ग प्रकाश की व्यवस्था के कारण एक बच्चे की जान चली गई थी, उसमें भी कोई कार्रवाई स्पष्ट रूप से नहीं की गई। फ्लैग्स जिस तरीके से बड़े बड़े फ्लैग होल्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं, किन मानकों के तहत लगाए गए हैं, उनका साइज क्या है, ये किसी को नहीं पता है। जो एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से मनमानी तरीके से जो उनको साइज दिया गया है नगर निगम प्रचार प्रसार विभाग की तरफ से, वो उस साइज को बढ़ा ले रहे हैं, या वो उसका शुल्क जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अभी जो जानकारी नगर निगम प्रचार प्रसार विभाग से, वो ये है कि अभी पुराने टेंडर ही चल रहे हैं, नए टेंडर अभी नहीं हुए हैं। अब पुराने चल रहे हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि अभी विवेकानंद पॉली क्लिनिक के सामने इतना बड़ा फ्लैट हवा में लहरा रहा है, और वो जरा सा अगर टूट के गिरता है, तो आप सोचिए अगर विवेकानंद के जो ओवरब्रिज से लोग आ जा रहेगा, तो उनके ऊपर अगर ये गिर जाता है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल लखनऊ के नगर आए तो रणजीत सिंह ने साफ तौर पर ये निर्देश जारी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मातहत उसको पलीता लगा रहे हैं और उनके आदेशों को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए, जिसकी अनदेखी आप कैमरे में खुद स्वयं देख सकते जी। रितेश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, उत्तर प्रदेश के मुखिया कई दावे करते हैं और वो दावे साबित करके भी दिखाते हैं, उन दावों पर खरे भी उतरते हैं, तो अगर ये नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही इस वक्त देखी जा रही है और राहगीर अपनी सुरक्षा स्वयं करके ही चलें, क्योंकि नगर निगम से उम्मीद तो छोड़ दें कि वो उस काम को तेजी से करेगा, तो क्या लगता है अब ये खबर चलने के बाद ये मामला संज्ञान में आया है, तो क्या सीएम योगी या फिर उनके द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाता है, क्या वो इस पर एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि नगर निगम की कई लगातार जो है खबरें सामने आई जिसमें वो मनमानी करते देखे जा सकते हैं, तो क्या लगता है प्रशासन की ओर से, उत्तर प्रदेश के मुखिया की ओर से क्या इस पर एक्शन हो सकता है?
देखिए पहली बात तो उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट रूप से निर्देश जारी है, पहले से लखनऊ नगर निगम को उसका पालन कराना है, जिसके लिए यहाँ पर नगर आयुक्त को बिठाया गया है। नगर आयुक्त के बाद अपर नगर आयुक्त है, प्रचार प्रसार विभाग जिनके अंतर्गत आता है उनका नाम पंकज श्रीवास्तव है, जो उन टीम के वो अपर नगर आयुक्त है और प्रचार प्रसार विभाग पूरा उनके ही हाथों में है। लेकिन उसके बावजूद भी अब खबर प्रसारित की गई है, इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से नगर निगम इस पर कार्रवाई करता है। फिलहाल यदि इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो जरूर कोई ना कोई बड़ी कोई। बिल्कुल रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से तमाम बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि राजधानी लखनऊ के विवेकानंद पॉलीक्लिनिक के पास फ्लैक्स हवा में लहरा रहा है और मौसम भी खराब है, तो ऐसे में राहगीरों को अब अपनी जान की सुरक्षा खुद करते चलना होगा क्योंकि नगर निगम लापरवाह बना नजर आ रहा है। और अब देखना यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया इस मामले पर क्या कार्यवाही करते हैं और किस पर गाज गिरती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।